नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। पंजाब में मची सियासी हलचल के बीच इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद से ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए परनीत कौर का नाम सामने आ रहा है। बता दें, परनीत कौर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। परनीत पंजाब के पटियाला से लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं। ऐसे में सूत्रों ने बताया है कि सिद्धू के इस्तीफे के बाद आलाकमान उन्हें मनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की हरकत से काफी नाराज हैं और अगर सिद्धू ने इस्तीफा वापस नहीं लिया तो उनकी जगह किसी और को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की जगह पार्टी किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी ये तय किया जा रहा है। हालांकि बता दें कि अमरिंदर की पत्नी को बनाया जा सकता है कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही पार्टी नेतृत्व के सामने अभी 3 से 4 और नामों का विकल्प है। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ही सिद्धू के व्यवहार से नाराज हैं। प्रियंका गांधी के सलाहकार विभाकर शास्त्री ने तो सिद्धू को पार्टी से निकालने तक की मांग कर दी है। फिलहाल सिद्धू और हाईकमान के बीच कोई बात नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अहम चेहरे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर अटकलों का बाजार और गर्म कर दिया है। अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर की करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई और ऐसे में अमित शाह के बाद कैप्टन अमरिंदर अब जेपी नड्डा से मिल सकते हैं। ऐसी अटकलें हैं कि कैप्टन को बीजेपी राज्यसभा के रास्ते केंद्र में मंत्री बना सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह को कृषि मंत्री बनाने का ऑफर भी मिल सकता है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर बढ़ चुके हैं। जी हां, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,529 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 311 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 28,718 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,30,14,849 हो चुकी है। वहीं अब एक्टिव केस घटकर 2,73,020 हो चुके हैं। ऐसे में आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,37,39,980 मामले आ चुके हैं, जिनमें अब तक कोरोना से 4,48,062 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 65,34,306 डोज लगाई गई, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 88,34,70,000 पर पहुंच गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में कल कोरोना वायरस के 15,06,294 टेस्ट किए गए, जिसके बाद महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक पूरे देश में 50 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,161 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 155 लोगों की जान चली गई। केरल में कल 17,862 लोग ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,83,500 हो चुकी है, जबकि अब तक 24,965 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं हरिद्वार के जंगल रेंज बहादुराबाद के सुमन नगर क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलरों ने कॉलोनियां काट रखी हैं। बता दें कि इस क्षेत्र में एक अच्छा रोड बन जाने से प्रॉपर्टी डीलरों की जमीनें चांदी की तरह चमक उठी हैं और जमीन खरीद फरोख्त को लेकर प्रॉपर्टी डीलरों के तेवर और ज्यादा बढ़ गए हैं। बता दें कि कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने अपनी जमीनों का मानक मूल्य बढ़ाने के लिए वन विभाग की जमीन पट्टी में रास्ता बना दिया है, जिसे एक तरह से वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण माना जाता है। अब इन प्रॉपर्टी डीलरों की तरफ से वन विभाग की भूमि पट्टी पर किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए हरिद्वार वन विभाग किस तरह से कदम उठाता है, दिनेश नौटियाल वन क्षेत्र अधिकारी हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया है कि वन विभाग की सुरक्षित भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि इस तरह का मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये पिछले कुछ दिनों में हम लोगों को अवगत कराया था कि एक वहां पे
नहर पटरी है, नहर भाई की जमीन है वो बेसिकली, और वन विभाग का जो है संरक्षित वन घोषित है वो, वहाँ पे हमारे प्लांटेशन वगैरह होते हैं। तो वहाँ बीच में कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि वहाँ से अपना रास्ता निकालने के लिए कुछ होर्डिंग्स वगैरह वहाँ पे लगी थी, तो उन पे हमारे द्वारा कार्रवाई की गई थी। जितने लोगों ने भी वहाँ पे अवैध तरीके से होर्डिंग्स लगाई हैं तो उन पे हमने कार्रवाई की, और साथ ही अगर कुछ गलत मंसूबे लेकर के लोग वहाँ पे आ रहे थे तो उनको भी हिदायतें दी गई थी, चेतावनी दी गई थी। और अभी भी मेरी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इस तरह का प्रयास न करें, अगर कोई इस तरह की हिमाकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धाराओं में भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, और ये क्लियर आप अपने माइंड में रख लें कि वो संरक्षित भूमि है, तो वहाँ पे किसी भी तरह के इस तरह की कोई भी कार्यवाही को हम स्वीकार नहीं करेंगे। पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो संरक्षित वन है और वहाँ पे ऑलरेडी हमने प्लांटेशन प्रपोज किया हुआ है, पहले भी पौधे वहाँ पे लगे हुए हैं, किसी ने उस पर क्षति पहुँचाने की कोशिश करी है, इसलिए हमने उस पर कार्रवाई की है। और अभी वहाँ पे बहुत जल्दी हम एक बहुत बढ़िया एवेन्यू प्लांटेशन करने वाले हैं, और अगर इस तरह के कोई मंसूबे पाले हुए हैं तो उनको अपने माइंड से निकाल दें। तो बता दें, हरिद्वार का पूरा मामला है जहां पर वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं, ये कहा गया है अधिकारियों की तरफ से। दरअसल अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि अतिक्रमण को रोकने के लिए हरिद्वार वन विभाग किस तरह से कदम उठाता है, अब ये देखने वाली बात है। वहीं दिनेश नौटियाल वन क्षेत्र अधिकारी हरिद्वार ने जानकारी देते हुए ये बताया कि वन विभाग की सुरक्षित भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यदि इस तरह का मामला अगर संज्ञान में आता है तो उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने स्वाट और सर्विलांस सेल की मदद से एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे वीआईपी सिम स्वैप करके महंगे दामों पर बेचते थे। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से भारी संख्या में एक्टिवेट सिम, लैपटॉप, मोबाइल भी बरामद किए हैं। ये लोग राजस्थान, उड़ीसा समेत अन्य स्थानों से महंगे दामों पर सिम बेचने का काम किया करते थे, और इनका सहयोग एयरटेल कंपनी के एक अधिकारी के द्वारा किया जा रहा था। वहीं ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस टीम को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये कोतवाली शहर पुलिस स्वाट सर्विलांस जनपद हरदोई को बड़ी कामयाबी मिली है। इन्होंने एक बहुत ही बड़े इंटर स्टेट गिरोह का भंडाफोड़ किया है, और इस गिरोह के 4 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिन्हें आज न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। इन बदमाशों के द्वारा वीआईपी नंबर्स की फोर्जरी करके उसको ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। ये फोर्जरी करने में इनके पास एक फेस स्वैप एप्लीकेशन है और फेक पैन कार्ड ऐप है, इनके माध्यम से काम करते हैं। इसमें एयरटेल के कर्मचारी जैसे कि एक्टिवेशन ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं, उड़ीसा प्रदेश के भी कुछ एयरटेल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इनकी मदद से ये कैफ इत्यादि गोपनीय डॉक्यूमेंट प्राप्त कर लेते हैं, और उसमें जो फोटो होती है उसके माध्यम से उसको डेवलप करके उसमें आई ब्लिंकिंग एट्सेट्रा यूज़ करके आईडी बना लेते हैं फर्जी तरीके से, और फिर उसी पर नए सिम जनरेट करके और उनको डिफरेंट कंपनीज में पोर्ट आउट कर देते हैं। इस तरह से बहुत ही कुख्यात गैंग है ये, और काफ़ी लाखों की कमाई कर चुका है, और ये किसी भी नंबर को ये इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और इसमें बैंकिंग फ्रॉड होने की भी प्रबल संभावना है। तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोग अभी भी फरार हैं, टोटल ये 6 लोगों का गैंग सामने आया है। ये इंटर स्टेट गैंग है, इसमें से एक जो इसका मास्टरमाइंड है ये सर्वेश क्या नाम है सर्वेश पाल, और इसका भाई राकेश पाल, ये दोनों मिलके इसको ऑपरेट करते हैं, बनाते थे। एक एयरटेल का मित्र ऐप है, उस मित्र ऐप पे सारी डिटेल दिख जाती है कि नंबर कब से बंद है, कब से नहीं बंद है, उस पर कब से लास्ट रिचार्ज हुआ था, कब से नहीं रिचार्ज हुआ था। फिर उस नंबर को हम सब लोग रख करके फिर एयरटेल वाले से पूरा उसका डेटा मांग करके फिर उस हिसाब से उसकी फ़ोटो बनाते थे, फोटो बना करके फिर उसके डॉक्यूमेंट रेडी करते थे, डॉक्यूमेंट रेडी करके फिर एयरटेल का जो मित्र ऐप था उसी से कर लेते थे। कैसे ये विचार कहाँ से लाए थे, कैसे ये जो है काम चालू किया था? इसका कोई विचार नहीं था, इसका विचार यही था कि वीआईपी नंबर बेचने का शौक था, इसलिए उसी से कुछ विचार नहीं।
वहीं मेरठ में पढ़ाई के बोझ तले दबे बाईपास स्थित MIIT के छात्रों ने मंगलवार को कॉलेज के गेट पर धरना देते हुए जमकर हंगामा किया। मामला मीडिया तक पहुंचा तो कॉलेज के बाउंसरों ने आनन-फानन में छात्रों को कॉलेज के अंदर बंद करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। दरअसल मंगलवार की सुबह MIIT से बीटेक कर रहे सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज के गेट पर डीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया था। इसी के साथ छात्र कॉलेज के गेट पर धरना देकर बैठ गए। गेट पर पहुंचे स्कूल के स्टाफ ने छात्रों को समझा कर अंदर बुलाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने अंदर जाने से मना कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों के सामने छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों ने बताया कि उन्हें सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक क्लास दी जा रही है और बिना एक भी दिन का समय दिए सोमवार को एक ही दिन में 15-15 मिनट के अंतराल पर छात्रों की 3 विषय की परीक्षाएं दी जाती हैं। आलम यह है कि छात्रों को दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर छात्र विरोध करते हैं तो कॉलेज प्रबंधन उन्हें कॉलेज से निकालने की धमकी देता है। पढ़ाई के बोझ तले दबे छात्रों ने आरोप लगाया है कि वो इसके चलते पूरी तरह से मानसिक तनाव में रहते हैं। हम 8 बजे घर से निकलना पड़ता 9 बजे की क्लास लेने के लिए। यहाँ पर 10 मिनट लेट हो जाओ तो क्लास में टीचर नहीं घुसने देते हमें, और 5 बजे यहाँ पे छोड़ते हैं हमें। 7 बजे तक हम घर पहुँचते हैं, फिर हमारा टाइम नहीं है कुछ पढ़ने का, कुछ करने का ना मन करता, थकावट हो जाती भाई इतना पढ़ के। तो सारे लेक्चर लेके और थोड़ा बहुत मस्ती करने लग जाओ तो यहाँ पे सब पीछे पड़ जाते, क्लास लो। बाकी सर टाइम में मिल रहा, छोटी-छोटी बात पे घर पे फोन कर दिया जाता है, फोन किया जाता है घर पे, घर वाले हमें डांटते हैं। फिर अब उन्हें कैसे समझाए कि हम क्या करें। तो आज क्या हुआ था, आज आप लोगों ने यहाँ पे तो पेपर की वजह से करा है, जो मंडे को ये 3 पेपर ले रहे हैं सर हमारे लगातार, और एक मंडे की छुट्टी नहीं दे रहे, मतलब बीच में कुछ गैप दे दो। और इवन चला रहे हैं ये कि एक हफ्ते में 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर अगले हफ्ते 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं थोड़ा बहुत, फिर अगले हफ्ते दोबारा उसे पढ़ो, फिर उसको रिविज़न करो, तो टाइम सर घर पर नहीं मिल रहा। सर ऐसी बात है, हम यहाँ पूरे हफ्ते कॉलेज पढ़ने आते हैं, और क्या नाम है, हमारा उद्देश्य यहाँ पे कॉलेज में आने का सिर्फ इतना सा है कि हमें यहाँ पे नौकरी चाहिए ठीक ठाक सी, जिसके लिए हमें यहाँ पे कोई चीज़ कराई नहीं जा रही। और हमारे को क्या नाम है, हफ्ते में 5 दिन हमारी क्लास होती है, जिसका हमारा नौकरी से कोई संबंध नहीं है, और उसको लेके मंडे को हमारे एग्ज़ाम होते हैं। तो मेन हमारी उसमें भी 1 दिन में 3 एग्ज़ाम, तो जिसमें हमारे लिए नहीं सोचा जा रहा कि अगर कोई अपने से अलग कुछ सीखना चाहे नौकरी के लिए तो वो क्या करे। तो आपका किस सब्जेक्ट में एडमिशन है यहाँ पे? हम सब बीटेक के हैं यहाँ पे। अच्छा बीटेक से, तो सबको नौकरी चाहिए यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसके लिए आ रहा है कि मस्ती के लिए आ रहा है, उसके लिए आ रहा है, सबको यहाँ पे यही है कि पढ़ाई अपनी जगह पढ़ाई करें, लेकिन इतना तो हमें समय मिले कि हम अपनी नौकरी के बारे में कुछ सोच सकें, जिसके लिए हम इतनी फीस दे रहे हैं। हमारी फिलहाल मेन समस्या ये है कि हमारे एक हफ्ते में हमारी 4 दिन मुश्किल से क्लास हो गए जी, और उन 4 दिन के बाद हमारा मंडे को 3 सेशनल हो गए। अब हम सिर्फ बचे हुए 2 दिन में हम 3 यूनिट पढ़े, 3 पेपर 1 दिन में देंगे जी, और वो हमारे साथ अच्छे से हो नहीं पा रहा। और यानी कि हमें कोई एक्स्ट्रा करिकुलर हमें स्किल्स भी सीखनी है अपनी इंटरव्यू के लिए, जैसे कोडिंग वगैरह हुई, जिसकी कंपनी आ गए हैं उस चीज़ की, तो स्किल्स के बारे में सीखेंगे, उसके लिए हमें टाइम नहीं मिल पा रहा इस बारे में जी। और एक दिन में 3-3 पेपर देना बहुत मुश्किल काम हो जा रहा है हमारे लिए भी। हम क्या तो पढ़ा है, पहले पेपर में दूसरे का पढ़ा है, तीसरे का पढ़ा है, एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिला है। वहीं मऊ में GRP पुलिस ने 28 सितंबर को एक महिला से 4 महिलाओं ने DMU ट्रेन में उसके साथ बलपूर्वक लूटपाट करते हुए उसके साथ छीना झपटी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद मामले में मुखबिर की सूचना पर इन 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 महिलाओं में से 2 महिला मऊ की रहने वाली हैं, जबकि 1 देवरिया और 1 गोरखपुर की रहने वाली है। इनके पास से पुलिस ने मंगलसूत्र भी बरामद करते हुए इन्हें जेल भेज दिया है। रेलवे स्टेशन किढ़ियारापुर है एक रेलवे स्टेशन, सुबह टाइम डेमो ट्रेन का एक महिला सवार हो रही थी, उसको लक्ष्य करके 4 महिलाओं ने बलपूर्वक उसके गले से मंगलसूत्र सोने का छीन लिया था। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, उसी अभियोग से संबंधित अभियुक्ता 4 नफर अभियुक्ता और सोने का मंगलसूत्र आज दिनांक 29 को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के दक्षिणी छोर पर
स्थानीय पुलिस थाना जी आर पी एस ओ साहब के नेतृत्व में और उप निरीक्षक सुभाष चंद के द्वारा मैं पुलिस भर के गिरफ्तार किया गया है। लिखा पड़ी के विधिक कार्रवाई में न्यायालय के अभियुक्तों को चारों ओर वहीं महराजगंज की फरेंदा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने देर रात मुठभेड़ में दो 25,000 के नामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग में स्वाट टीम का एक कांस्टेबल भी घायल हो गया है। बता दें पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया था। वहीं बदमाशों के साथ ही जख्मी सिपाही को भी जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जबकि बता दें गिरफ्तार दोनों बदमाशों के पास से 315 बोर के दो देसी तमंचा, 315 बोर का एक जिंदा और 3 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया है कि पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ में पकड़े गए दोनों शातिर बदमाशों की शिनाख्त फिरोज खान और हैदर अली के रूप में हुई है, जो कुशीनगर के रहने वाले हैं। साथ ही इनके खिलाफ महराजगंज और कुशीनगर जिले के कई थानों में मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। वहीं बता दें महराजगंज पुलिस ने गोवध में वांछित दोनों के खिलाफ 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। देखिए लगातार पिछले कुछ महीनों से वांछित अपराधी एनबीडब्ल्यू और पुरस्कार घोषित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई एसओजी टीम और थाने में टीम जो गठित की उनके द्वारा की जा रही है। एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ था थाना सहावर में, जिसमें क्रॉस में मुकदमा था, दोनों का लगभग से एक एक व्यक्ति का मर्डर उस समय पर हुआ था। ये गांव नगला माधो जो कि सहावर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां का एक प्रकरण है। उसमें एक जो मेन अभियुक्त है और सिंगल अभियुक्त है, इसका बबलू नसन ऑफ निक्सू रहने वाला, ये ओरिजिनली सूरों का है। घटना हुई थी सहावर में, ये वांछित करना चल रहा था, इसलिए प्रकरण भी उस समय से पेंडिंग था। इसमें पुलिस की टीम को कामयाबी मिली है इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में। ये 25,000 रुपये का इनाम भी था। ये 2:03 की रात में थाना फरेंदा क्षेत्र में 6 गोवंश की बरामदगी हुई थी एक पिकअप में, तो उसको छोड़ के ये अभियुक्त भाग गए थे। बाद में ये दो अभियुक्त प्रकाश में आए थे, एक फिरोज और एक हैदर अली। ये दोनों कुशीनगर के रहने वाले हैं और इन पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। कल रात में इन अभियुक्तों के थाना फरेंदा क्षेत्र में फिर होने की सूचना मिली थी। इस पर एसओजी की टीम और थाना फरेंदा की पुलिस द्वारा जब इनको घेरा गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जब फायरिंग की तो इन दोनों के पैर में गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनका तत्काल उपचार कराया गया है। ये इनमें फिरोज जो है वो थाना खड्डा जनपद कुशीनगर का हिस्ट्री शीटर है, इस पर एक दर्जन लगभग मुकदमे हैं। इसी प्रकार हैदर अली पर भी करीब आधा दर्जन मुकदमे हैं। इनका और आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। ये गो तस्करी में काफ़ी दिन से लगे हुए थे, जो हमें सूचना है, और एक इनको मुठभेड़ के द्वारा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक 28 साल के युवक ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं जब सुबह परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को फंदे से नीचे उतारा। वहीं घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक 5 भाइयों और एक बहन के परिवार में सबसे बड़ा था और अविवाहित था और गाँव के बाहर पान की गुमटी रखकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। फिलहाल युवक ने आत्महत्या क्यों की इसका कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या घटना हुई बताइए जरा। घटना क्या हुई, हम तो साहब सुबह जान पाई बस, तो हमें क्या हुआ तो थोड़ा बताइए क्या घटना हुई। घटना क्या, फांसी लगा ली लड़का हमारे ने। क्या नाम था बच्चे? मनीष। क्या उम्र क्या थी? ऐसी थी 28-30 साल की। तो ये इसी कमरे में लगाई? कहे में? हाँ, एक कमरे में। कहे के सहारे लगाई फांसी? वो कुर्सी और ऊपर पंखा टंग बेगलाने, वो कड़ा है, कच्ची छत यू नहीं जो पक्की हो। क्या बांधा था, गोल सा है, रस्सी? तहमत थी।
वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने से पहले ही हलचल का दौर शुरू हो गया है। इसके चलते कहीं कोई किसी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम रहा है, तो कहीं जो पहले एक दूसरे पर आरोप लगाया करते थे, आज वो साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिवपाल के घर अचानक हलचल तेज हो गई है। दरअसल ओवैसी राजभर और चंद्रशेखर के शिवपाल के घर पर देखे जाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, जिसके चलते यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूपी की राजनीति में नया मोर्चा बन रहा है। खैर, चारों नेताओं की मुलाकात किस मुद्दे को लेकर हुई, इसका कुछ अभी तक पता नहीं चल सका है। नैनीताल की नगर पालिका में बीते कुछ समय से कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। दरअसल कुछ दिन पहले नगर पालिका की कार्यप्रणाली से नाखुश होकर एक दर्जन से ज्यादा सभासदों ने कुमाऊं आयुक्त कार्यालय में संयुक्त रूप से इस्तीफा दे दिया था। अब भविष्य निधि की टीम के आने पर टीम को संतुष्ट न करते पर टीम ने अकाउंट्स विभाग पटल को सील कर दिया है। यहां बता दें कि 2011 के बाद सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं को संविदा कर्मचारियों और ठेकेदारों के कर्मचारियों का पीएफ जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नगर पालिका नैनीताल की तरफ से कई बार नोटिस के बाद भी कर्मचारियों और ठेकेदार के कर्मचारियों को पीएफ का ब्यौरा नहीं दिया गया, जिस पर नगर पालिका के अकाउंट्स कार्यालय को भविष्य निधि ने सील कर दिया है। कानपुर में सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन की तरफ से संचालित कट्टरता की पाठशाला के मामले में आईएएस अधिकारी के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने डीसीपी कार्यालय का घेराव किया। साथ ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आईएएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसी के साथ ही बजरंग दल कार्यकर्ता ने आईएएस पर देश तोड़ने का आरोप भी लगाया और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग भी की गई है। इसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी दक्षिण कार्यालय में ज्ञापन भी सौंप दिया। सबसे पहले कानपुर की धर्मभूमि और कर्मभूमि से हम माननीय योगी जी से ये आह्वान करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर द्वारा, इफ्तिखारुद्दीन द्वारा जिस तरीके से एक एजेंडा चलाया जा रहा, अभी तक मौलाना शामिल थे और अब तो एक पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर भी इसमें शामिल हो चुके हैं, इससे पता चलता है कि इनका जड़ें जो है इतनी गहरी हो चुकी हैं धर्मांतरण के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो अपनी ये जहर उगल रहे हैं। तो हम सबसे पहले योगी जी से आह्वान करना चाहते हैं कि ऐसे वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर को तत्काल रूप से बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार किया जाए और हिंदुओं के खिलाफ जो ये अत्याचार हो रहा है, उसका हम लोग का जो शोषण हो रहा है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और साथ ही हम ये योगी जी से आह्वान करना चाहते हैं कि हिंदुत्व को, जिस तरीके से हम हिंदू बहुसंख्यक में है, तो हम ये चाहते हैं हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और देश में एक संविधान, एक कानून लागू किया जाए, ये हम उनसे अनुरोध करते हैं। और जिनको भी इस्लामिक कल्चर से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, 54 देश है इस विश्व में, वो वहाँ जाए, वहाँ अपना इस्लामिक प्रचार करे, प्रसार करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हिंदुओं के देश में एक संविधान और एक कानून के तहत उनको काम करना पड़ेगा और रहना पड़ेगा, और जिसको आपत्ति है वो देश छोड़कर जा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।